कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अब कोई भी ताकत पिछड़े समाज को बांट नहीं सकती। कुछ लोग पहले पिछड़े वर्ग को आपस में बांटने के लिए दूध में जैसे चीनी मिला दिया जाता है वो काम करते थे, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब भी हैं, जो पिछड़े वर्ग के भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दूध में चीनी मिलाने का काम शुरू हुआ है। और चीनी मिलाने के कारण से दूध की मिठास बढ़ गई, इस देश का पिछड़ा वर्ग जागरूक हुआ है। इससे मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के अंदर जो 54% लगभग पिछड़ा वर्ग है, ये भगवान कृष्ण का वंशज है। इसलिए अब इसको कोई बांट नहीं सकता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। और जो मंसूबे पाल करके बैठे हैं कि 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार नहीं बनने देंगे, उनको हम बताना चाहते हैं कि 2014 में भी कमल खिला है और 2017 में भी कमल खिला है। और मैं एक बात कह दे रहा हूं, ये अंदर की बात है।